हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, जैसा कि हिंदू मुस्लिम को लेके कंट्रोवर्सी सामने आया है, आप सबको पता है, तो इसका इंडियंस पे क्या असर होगा, यानी कि यहां पे अरब में काम करने वाले लाखों लाखों लोगों का, अगर दुबई का ही देखें तो कम से कम 35 लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं। सऊदी में भी लगभग आंकड़ा ऐसा ही है। तो एक एक कंट्री में 35 से 40 लाख लोग काम करते हैं। ये जो आंकड़ा मैं बता रही हूँ, ये आप लोग गूगल में देख सकते हैं, 2-3 साल पहले का है। अभी रिसेंट कोई आंकड़ा, कोई पॉपुलेशन नहीं लिया गया है कि कितनी इंडियंस की पॉपुलेशन है यूएई के अंदर। तो उस समय पे थी 35 लाख, ठीक है। तो सिर्फ यूएई की मैं बात कर रही हूँ, बाकी कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, यहाँ पे भी भारी मात्रा में भारतीय वर्कर्स हैं। तो इसका क्या असर होगा, ठीक है। असर आप लोगों को दिख रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू हो गया है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उसको लोग बॉयकॉट करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे इंडियंस कर्मचारी जो हैं उनको निकाल दिया गया है, स्पेशली जो यहाँ के लोकल अरबब हैं, वो उनकी कंपनी है, अरबी लोगों की कंपनी है। तो वहाँ अगर आप होम कंट्री में हैं तो आपको आने मना कर दिया जा रहा है कि अब आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंडियन वर्कर्स को भी निकाला जा रहा है, स्पेशली सऊदी अरेबिया से, कुवैत से और कतर से, और साथ में टोटल 15 देश हैं जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो इसका असर होगा ही यहाँ के भारतीय वर्कर्स के ऊपर। तो अभी दुबई की अगर बात करें, बहुत लोग, आप लोग, ये जो हुआ है इसके बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम दुबई अगर आएंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी। तो अभी तक देखिए, दुबई में बॉयकॉट वाला, इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट वाला या इंडियन वर्कर्स को भगाने वाला या फिर निकालने वाला कोई भी सीन या केस अभी सामने नहीं आया है। जो भी आ रहा है वो कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ से आ रहा है। इवन दो कतर में बोला गया कि जो दाह संस्कार हिंदुओं का होता है वो भी अब नहीं होगा, कोई भी पूजा अब वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया गया है। बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो हैं या पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स हमने खरीदनी ही नहीं है। तो ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी तो डाउन होने ही वाली है, साथ में अगर इंडियन वर्कर्स के साथ ऐसा हुआ तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थी, उसके कारण पूरा भारत आज सफ़र कर रहा है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं इस्लामिक धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब श्रद्धा करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनके कल्चर को। मैं यहाँ गल्फ़ में हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहाँ गल्फ़ में रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस कल्चर की। तो पता नहीं एक इंसान के कारण, एक गलती के कारण पूरे भारतवासियों को इसके लिए सफ़र करना पड़ रहा है। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो हर धर्म को बराबर मानते हैं, मुझे पता है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके कमेंट ज़रूर कीजिए कि एक के कारण पूरा भारत आज सफ़र कर रहा है। तो भारतीय वर्कर्स के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ भी असर नहीं होगा, असर कुछ तो होगा। 10% 20% असर दुबई में भी इसका ज़रूर से पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो या आपके कुछ कमेंट हो, आप इस बारे में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।